This This conference conference will will now now be be recorded. recorded. अभी मोबाइल से ही हूँ, बस लैपटॉप पर कर रहा हूँ।
हेलो। हाँ हेलो प्रवीण सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो जय, आर यू देयर? यस सर। हो गए कनेक्ट लैपटॉप से? हाँ चल रहा है सर, अभी कनेक्ट चल रहा है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग दिखा रहा है, हो रहा है। व्हाट्सएप इस पर इनेबल करा है, मैं नेट कुछ दिन से बहुत स्लो चल रहा चलो कोई नहीं, स्टार्ट करें फिर। है सर। हाँ स्टार्ट कीजिए, चल रहा है वैसे मेरा, अभी हो जाएगा। वहाँ वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ रहे थे कल हम, राइट? राइट सर। तो आज हम देखेंगे वर्चुअल मशीन का अवेलेबिलिटी और एक्सटेंशन सेट्स क्या होता है। ओके, बेसिकली चैप्टर है वो अवेलेबिलिटी वाला चैप्टर रखते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी का मीनिंग है कि जब भी आप कोई सर्विस लेते हो तो वो सर्विस कितने टाइम तक रन रहेगी या कितने टाइम डाउन रहेगी, दैट इज द अवेलेबिलिटी। ओके, अब तो डाउन रहेगी, डाउन होने का रीजन क्या है? दो तरह के रीजन होते हैं, राइट? एक प्लान्ड डाउन टाइम होता है, एक अनप्लान्ड डाउन टाइम। ओके, प्लान डाउन टाइम में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को कि भाई ठीक है, हमारे रिसोर्स डाउन होने वाले हैं। अनप्लान डाउन टाइम में सडनली प्रिपेयर का आउटेज। ओके, तो अज्योर के अंदर हमारे पास बेसिकली तीन तरह का डाउन टाइम हो सकता है आपका। एक होता है अनप्लान हार्डवेयर मेंटेनेंस, सडनली कोई हार्डवेयर इश्यू आ गया, आपको उसको मेंटेन करना है, दैट इज द अनप्लान। ओके, अनप्लान्ड के केस में हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर इश्यू है उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा रनिंग रिसोर्स है, जो रनिंग वीएम्स हैं उन सर्वर्स पे उसको मूव करवा के हम हार्डवेयर को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा होता है अनएक्सेप्टेड डाउन टाइम, सडनली क्या हो गया आपका रिसोर्स डाउन हो गया, तो उस केस कर देता है हमारे रिसोर्सेस को किसी दूसरे मोड पे, तो मे बी फ्लाइट का डाउन टाइम हो सकता है यहाँ पे। ओके, ओके, तीसरा होता है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस में आपने डिफाइन किया हुआ है तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस टाइम में इस टाइम में मेंटेन करेंगे। सर आप, आपकी आवाज रुक रही है सर, रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। क्या रही है आपकी आवाज काफी ज्यादा मेरे पीछे? अभी ठीक है सर? अभी बेटर है, अभी आवाज सही आ रही है ना सर? हाँ अभी बहुत बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। चलो, हाँ अभी ठीक। तीन तरह का डाउन टाइम होता है। ओके, अब इन बेसिकली जो डाउन टाइम है वो इम्पैक्ट करेगा हमारी सर्विस की अवेलेबिलिटी पे, राइट? मान लो हमने कोई वर्चुअल मशीन बनाई, वो वर्चुअल मशीन हो सकता है प्लान है, अनप्लान डाउन टाइम है, सो हमारी मशीन इनएक्सेसिबल रहेगी, राइट, कुछ टाइम के लिए। तो अजोर पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपनी अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? ओके, वो आता है। तो अजोर जो अवेलेबिलिटी देता है वो अलग अलग सेट्स में देता है, हमारे पास अलग अलग अवेलेबिलिटी सेट्स होते हैं, तो वो देखें, अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस होते हैं वो देखते हैं।
तो सबसे पहले अगर बात करें तो अजोर पे जो भी सर्विसेज है उनकी अवेलेबिलिटी ऑलरेडी डिफाइन है। तो अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ अजोर सर्विस SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट चेक करते हैं, तो वहां पे हमें मिल जाएगा कि किस टाइप के रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी। तो हमें VMs की देखनी है, कंप्यूट में जाएंगे। ओके वन सेकेंड, कंप्यूट में जाएंगे, वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करेंगे। तो ये अलग अलग देखो 95% से लेके 99.99% तक की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है अजोर वर्चुअल मशीन के लिए। तो अजोर क्या कहता है कि अगर आप कोई सिंगल इंस्टांस क्रिएट करते हो, सिंगल इंस्टांस वीएम यूजिंग द स्टैंडर्ड HDD ड्राइव्स, तो आपको जो अवेलेबिलिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 95%। अगर आप प्रीमियम ड्राइव्स के साथ जाते हो विद सिंगल सॉरी सिंगल इंस्टांस विद स्टैंडर्ड SSD ड्राइव, तो आपको 99.5% मिलती है। अगर सिंगल इंस्टांस विद प्रीमियम SSD और अल्ट्रा डिस्क के साथ जाते हैं तो 99.9% का अवेलेबिलिटी मिलता है। वहीं पे अगर आप मल्टी इंस्टांस यानी कि स्केल सेट के साथ जाते हो, अवेलेबिलिटी सेट्स के साथ, तो आपको 99.95%। और अगर आप मल्टी मल्टी इंस्टेंट मतलब सर, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं। ओके अवेलेबिलिटी सेट के साथ जाते हो तो 99.95, और अवेलेबिलिटी जोन्स के साथ जाते हो तो आपको 99.99% का SLA मिलता है यहाँ पे। तो जो अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं यहाँ पे, जब अब भी हम कोई VM क्रिएट करते हैं तो एक VM क्रिएट ना होके मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट होते हैं, कि इन केस अगर कोई एक इंस्टांस डाउन भी हो जाए तो दूसरे इंस्टांस से हमें एक्सेस मिलता रहे। ओके सर्विस मिलती रहे। तो सबसे पहले SLA का देख लेते हैं कि एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे करनी है। मान लो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपने कोई सर्विस ली जिसकी अवेलेबिलिटी है 99%। ओके तो डाउन टाइम भी तो होगा, तो डाउन टाइम कितना हो गया, एक डाउन टाइम हो गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि एक मंथ में कितना डाउन टाइम मिलेगा, ओके तो 30 days मल्टीप्लाई बाय 24 hours मल्टीप्लाई बाय 60 minutes, ओके मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, 1%, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आपका डाउन टाइम आएगा मिनट्स में। तो कितना हो गया ये 6 × 24 सॉरी 3 × 6 = 36 एंड 00 सॉरी ये हो गया आपका। सर कैलकुलेटर यूज कर लीजिए कैलकुलेटर है ना। सबसे बेहतर है। हाँ 30 × 60 × 24 ओके तो ये आपका कितना हो गया 43,200। 43,200 ओके डिवाइड बाय 100 है आपका, तो ये कितना हो गया 432 मिनट्स। एक महीने में आपका इतना डाउन टाइम रहेगा। ओके वहीं पे अगर हमारी अवेलेबिलिटी होती 99.9% का, तब कितना हो जाता है ये, तब ये हो जाता 0.1 यानी डिवाइड बाय 1000 यानी कि 43 मिनट्स का, 43.2 मिनट्स का डाउन टाइम मिलता है आपको पूरे महीने में। ओके राइट सर। तो इस तरह से आप डाउन टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए तो अब आपके सब स्लाइड्स पे आते हैं। ओके तो सबसे पहले ओके आता है हमारे पास अवेलेबिलिटी सेट। तो जब भी हम कोई वीएम बनाते हैं अवेलेबिलिटी सेट, तो क्या होता है, इट्स कॉन्फिगर द मल्टीपल वीएम्स इन ए अवेलेबिलिटी सेट, कॉन्फिगर ईच एप्लीकेशन टायर इन ए सेपरेट अवेलेबिलिटी सेट एंड कंबाइन ए लोड बैलेंसर विद अवेलेबिलिटी सेट एंड यूजर मैनेज दिस द वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे देखो, तब भी आप कोई वीएम बनाओगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अजोर पे वीएम बनाने एक वीएम बनाता हूँ। ए कमीनिया कुतिया मारे।
हेलो, और आ रहा है जय? ओके, तो यहाँ पे हाँ यस मैं सर आ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑप्शन में क्या लेता हूँ, अवेलेबिलिटी सेट लेता हूँ। तो जब अवेलेबिलिटी जोन है, स्केल सेट है, और अवेलेबिलिटी सेट है, तो तीन तरह की अवेलेबिलिटी मिलती है। तो एक होती है नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, यानी कि यहाँ पे सिंगल इंस्टांस ही होता है। तो अगर मैं अवेलेबिलिटी सेट लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक अवेलेबिलिटी सेट बनाना होता है, ठीक है? जब आप क्रिएट पे जाओगे अवेलेबिलिटी सेट पे, तो यहाँ पे देना होगा अवेलेबिलिटी सेट का नेम, उसके बाद आपको फॉल्ट डोमेन्स देने हैं, अपडेट डोमेन्स देने हैं। ओके, तो आप नंबर्स दे सकते हो, आप फॉल्ट डोमेन नंबर एंड अपडेट डोमेन नंबर। अब ये फॉल्ट डोमेन नंबर क्या होता है और अपडेट डोमेन क्या होता है, वो देखते हैं। ओके, तो फॉल्ट डोमेन क्या है भाई? आप माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है, राइट? वहां पर बहुत सारे सर्वर्स या सर्वर रैक्स लगे हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, उन सर्वर्स का ग्रुप बनाया। मान लो कि भी 10-10 सर्वर्स का ग्रुप बना दिया। ओके, 10 सर्वर्स के एक ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, फॉल्ट डोमेन, दूसरा फॉल्ट डोमेन, तीसरा फॉल्ट डोमेन। ओके, तो जब भी आप अवेलेबिलिटी सेट के साथ वीएम बनाओगे, मान लो आपने सेलेक्ट किया फॉल्ट डोमेन का नंबर दे दिया आपने 2। ओके, यहाँ पे आपने फोर्थ डोमेन कितने सिलेक्ट कर लिए, 2 सिलेक्ट कर लिए। तो आपकी जो वीएम बनेगी, उसकी जो जो वीएम है उसकी 2 कॉपीज बनेगी, एक फोर्थ डोमेन 1 में स्टोर होगी, दूसरे किसी दूसरे फोर्थ डोमेन में स्टोर होगी। इससे फायदा ये क्या सर होगा, फॉल्ट डोमेन क्या होता है सर? इसका फॉल्ट डोमेन क्या होता है सर? सर भाई फोर्थ डोमेन क्या ये है? फॉल्ट दिखा रहा है, ये तो कुछ अलग दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा। नहीं, फोर्थ डोमेन का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के पास काफी सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, राइट? राइट ये सर्वर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इनका एक ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग कर दी कि भाई ये 4 सर्वर्स का एक ग्रुप हो गया, ठीक है? सर, ये चार जो ग्रुप होता है सर्वर्स का, उसको नोड भी बोलते हैं सर? नहीं, नोड वैसे मत समझ आप ग्रुपिंग, वो एक क्लस्टरिंग होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? अभी पढ़ेंगे सर तो वो। ना क्लस्टरिंग अपना पार्ट नहीं है। ओके, तो ये 4 4 सर्वर्स का ग्रुप बना दिया, इसको हमने दे दिया फोल्ट डोमेन 1 है ये हमारा, ये हमारा फोल्ट डोमेन 2 हो गया, ये हमारा फॉल्ट डोमेन 3 हो गया, इस तरह से, ठीक है? बना दिया। तो क्या कहता है, फॉल्ट डोमेन द ग्रुप ऑफ द वर्चुअल मशीन दैट शेयर ए कॉमन सेट ऑफ हार्डवेयर स्विच एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो बेसिकली जैसे कि ये ग्रुप ऑफ सर्वर्स है, ये क्या कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है। ओके, ये अलग स्विच से कनेक्टेड है, ये अलग स्विच से कनेक्टेड है, इनकी पावर सप्लाई अलग है, इनकी पावर सप्लाई अलग है। ओके, लाइक दैट। तो मान लो आपको एक वीएम बनानी है, तो आपने जो वीएम बनाई वो इस फॉल्ट डोमेन के किसी सर्वर पे बनी। ओके, बट जब आप बना रहे हो, जब आप वीएम बना रहे हो अवेलेबिलिटी की सेट के साथ, आपने यहाँ पे फॉल्ट डोमेन का नंबर दिया 2। ओके, तो आपकी जो वीएम है वो 2, एक तो इस ग्रुप ऑफ सर्वर्स में बन गई, एक कहीं या इसमें बन जाएगी, जैसे कि एक यहाँ पे बन गई। ओके, तो मान लो पावर आउटेज हुआ, पावर आउटेज हो गया इस सर्वर का, ठीक है? इस सर्वर का क्या हो गया, पावर फेल हो गया, तो आपकी ये मशीन इनएक्सेसिबल हो जाएगी। बट सेम केस में आपकी ये मशीन चल रही थी, यहां से आपको रिस्पॉन्स जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब एक तरीका सर, एक तरीका बैकअप होता ही है। हाँ, काइंड ऑफ बैकअप, रेप्लिका, रेप्लिका या आप बैकअप बोल सकते हो कि भाई अगर एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स के ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, उनको फॉल्ट डोमेन बना दिया, फॉल्ट डोमेन्स नेम दे दिया कि भाई ये 10 ग्रुप्स का एक फॉल्ट डोमेन में आएगा, ये 10 ग्रुप ऑफ सर्वर्स दूसरे फॉल्ट डोमेन में, ये तीसरे अलग फॉल्ट डोमेन में, तो उन ग्रुप ऑफ सर्वर्स का अलग पावर सप्लाई होगा। ओके, अलग स्विच लगे होंगे, अगर पावर फेलियर हो जाता है, स्विच डाउन हो जाता है, तो आपने जो वीएम बनाई थी अवेलेबिलिटी सेट में, तो वो किसी दूसरे फॉल्ट डोमेन में भी चल रही है, तो वहां से आपका वीएम एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आता है अपडेट डोमेन, ये तो फॉल्ट डोमेन है, अपडेट डोमेन। माइक्रोसॉफ्ट अपने फिजिकल सर्वर्स को अपडेट भी करता होगा या नहीं करता होगा?
हेलो। यस सर। अब जब अपडेशन चलता है तो अपडेट करने के लिए रीबूट भी करना पड़ता है सिस्टम्स को, बिल्कुल सर, करना पड़ता है ना। बिल्कुल करना तो उस पड़ता केस में क्या होता है कि भाई मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर्स अपडेट लगा दिया, अब जिस सर्वर पर चल रहा था वो सर्वर डाउन है। होता है ना, बिल्कुल हो जाएगा सर डाउन। अब आपकी सर्विस भी डाउन हो गई। तो बिल्कुल सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, बस फोर्ट डोमेन की तरह अपडेट डोमेन बनाए, 10-10 सर्वर्स के ग्रुप बना दिए, ये भी अपडेट डोमेन है। तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करेगा तो पहले एक ग्रुप को अपडेट करेगा, जब वो ग्रुप कंप्लीटली अपडेट हो जाएगा देन दूसरे वाले ग्रुप को अपडेट करेगा। ओके तो हमने जब जी अवेलेबिलिटी सेट के साथ वीएम बनाया तो हमने अवेलेबिलिटी सॉरी अपडेट डोमेन दे दिए दो, एक अपडेट डोमेन 1 में चल रही है हमारा वीएम का इंस्टेंस, दूसरा इंस्टेंस अपडेट डोमेन 2 में चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट करना स्टार्ट किया तो अपडेट डोमेन 1 जब जब अपडेट हो रहा होगा तो हमारी वीएम कहां से एक्सेस हो जाएगी, अपडेट डोमेन 2 से, राइट। अपडेट टू। यस सर। जो अपडेट डोमेन 1 प्रॉपरली अपडेट हो जाएगा तब माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, अपडेट डोमेन 2 को अपडेट करेगा। तो जो अपडेट डोमेन 2 को अपडेट कर रहा होगा उस टाइम हमारी वीएम कहां से एक्सेस हो जाती है, अपडेट अपडेट डोमेन। नंबर 2 1 से। 1 से तो समझ गए ये फोर्ट डोमेन यस। अपडेट डोमेन का कंसेप्ट क्या है। ये किस में आता है, जब आप वीएम को अवेलेबिलिटी सेट के साथ, सेट के साथ, ठीक अवेलेबिलिटी सेट में। ओके है। राइट सर। फिर आता है अवेलेबिलिटी जोन। अब ये अवेलेबिलिटी से ये फॉल्ट डोमेन अपडेट डोमेन ये तो सब कहाँ, एक ही डेटा सेंटर में बने हुए थे ना, एक जगह ही। अगर पूरा डेटा सेंटर ही कोलैप कर गया फिर तो दिक्कत है सर, फिर तो डाउन हो जाएगा पूरा सर्वर ही। तो तो डाउन हो यहाँ जाएगा पे हम ना। अवेलेबल, बिल्कुल सर, फिर यहाँ पे हमारा अवेलेबिलिटी जोन हम दूसरे जोन में रख सकते हैं, ये यहाँ जो पे रख अवेलेबिलिटी सकते सेट है वो आपको क्या सर्वर फेलियर से तो प्रोटेक्ट कर सकता है, बट डेटा सेंटर फेलियर से प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब हैं। हमारे पास क्या आता है, अवेलेबिलिटी जोन आता है। अवेलेबिलिटी जोन क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक ही रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स बना के रखे हैं अलग अलग लोकेशंस पे, जिनको हम फैसिलिटीज भी बोल देते हैं। ओके सो यूनिक राइट। फिजिकल लोके जो जोन है वो क्या है, यूनिक फिजिकल लोकेशन है एक रीजन के अंदर, इंक्लूड द डेटा सेंटर्स, इंडिपेंडेंट पावर होगी हर फैसिलिटी की, इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम है, इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग यानी सबका अलग अलग पावर सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, नेटवर्क सबका अलग अलग होता है। ओके तो जब आप कोई वीएम बनाते हो तो आप सिलेक्ट करते हो भाई कितने अवेलेबिलिटी जोन्स में बनाना है, भाई 2 में बनाना है, 3 में बनाना है। ओके जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वापस से जाऊं, मुझे वीएम बनाना है अवेलेबिलिटी सेट में नहीं अवेलेबिलिटी जोन में, तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जोन 1 में, 2 में, 3 में, कितने में बनाना है। ओके तो जैसे जोन 1 2 3 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो वीएम बनेगी आपकी, MyVM1, MyVM2, MyVM3, तीन वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड विद द नेम शोज। ओके आप इन नेम्स को एडिट कर सकते हो, राइट सर। तो तीन अलग अलग डेटा सेंटर्स में आपके वीएम बन जाएंगे। तो अगर एक डेटा सेंटर पूरा भी कोलैप कर जाता है, डाउन हो जाता है, तो अभी आपके वीएम क्या होगी, एक्सेसिबल होगी किसी दूसरे डेटा सेंटर से। तो अवेलेबिलिटी जोन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एंटायर डेटा सेंटर फेलियर। अगर पूरा डेटा सेंटर भी फेल हो जाता है तो भी आपका वीएम एक्सेसिबल होगा। ओके तो ये आता है 99.99% के एसएलए के साथ। चांसेस बहुत कम है। हाँ पूरा डेटा सेंटर फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फेल भी हो जाएगा तो भी आपकी वीएम तो एक्सेसिबल होगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा डेटा सेंटर फेल हो गया। ओके राइट सर। पूरा रीजन फेल हो जाता है तब दिक्कत आती है, तब आपको डाउन टाइम फेस होगा कुछ टाइम का, बट योर वीएम विल बी रिकवर्ड विद ऑन द पेयर रीजन, जो उस रीजन का पेयर रीजन होगा वहां पे रिकवर्ड हो जाएगी। ठीक है अच्छा। फिर हमारे पास स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई वर्चुअल मशीन का साइज अप डाउन कैसे करें। स्केलिंग का मतलब तो यही होता है ना, साइज को इंक्रीज करना, राइट, ऑटोमेटिकली डिक्रीज एंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज। या मैनुअली कैसे भी, कि भाई जैसे जैसे, जैसे आपके वीएम पे लोड बढ़ा तो आपको क्या करना है, साइज को इंक्रीज करना है, राइट। तो अब अजोर में उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो अजोर में हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है स्केलिंग, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टिकल स्केलिंग।
वर्टिकल स्केलिंग में, तो क्या आपने एक वीएम बनाया है उसका वर्टिकल स्केलिंग करना है, तो आप क्या करोगे, उसका साइज बढ़ाते जा रहे हो। पहले भाई एक सीपीयू 1 GB RAM में चल रही थी, फिर आपने उसमें 2 GB RAM 2 CPU कर दिए, फिर आपने 8 GB RAM 4 CPU कर दिए सेम वीएम पे, तो दैट इज अ वर्टिकल स्केलिंग। ओके, सेम वे में आप डिक्रीज कर रहे हो, जैसे लोड डिक्रीज हो, आपने रिसोर्सेज को 4 CPU 8 GB RAM से 2 CPU 4 GB RAM पे कर दिया, तो दैट इज अ वर्टिकल स्केलिंग। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टिकल स्केलिंग। ओके, तो हॉरिजॉन्टिकल स्केलिंग में स्केल आउट एंड स्केल इन होता है, वर्टिकल स्केलिंग में स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन होता है। स्केलिंग अप में आप रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हो, स्केलिंग डाउन में आप रिसोर्सेज को हटा रहे हो। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टिकल स्केलिंग होता है, हम उसके अंदर सेम वीएम पे सीपीयू मेमोरी इंक्रीज नहीं करते, हम क्या करते हैं उसकी एज इट इज एक कॉपी बना के रख देते। जैसे कि एक वीएम चल रही थी हमारी, हमें हमारे पास लोड बना, हमने क्या किया उस वीएम की एज इट इज एक आइडेंटिटिकल कॉपी बना के लगा दिया। ओके, और हमने क्या लगा दिया, लोड बैलेंसर लगा दिया, तो अब हमारा ट्रैफिक क्या होगा, दो वीएम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ज्यादा लोड बना, एक और कॉपी लगा देते, इस कॉपी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके इट मींस कि सर जो हमारा वर्टिकल है वो हम हार्डवेयर बेस पे करते हैं, नहीं, वो रैम वीएम सीपीयू बेस पे पावर। कर सकते हो आप, वो वीएम बेस पे भी होता है। हाँ वीएम बेस पे। और जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है वो सर्वर टू सर्वर होता है, मतलब वो आप हार्डवेयर बेस पे भी कर सकते मल्टीपल हो, सर्वर। वीएम बेस भी अवेलेबल है हमारे पास अजोर में, अभी हम करके नहीं देखेंगे ये। हॉरिजॉन्टिकल अच्छा ठीक है सर। में तो, वर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं, आपको वर्टिकल स्केलिंग करनी है, आप क्या करोगे, वीएम पे जाओगे, रैम बढ़ा दिया, हार्ड ड्राइव बढ़ा दिया। वीएम पे गए, यहाँ पे साइज पे गए, यहाँ से हम इंक्रीज कर देंगे साइज, राइट, अलग राइट। राइट साइज। देखते हैं हॉरिजॉन्टिकल स्केलिंग कैसे होगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टिकल स्केलिंग में क्या है, स्केल सेट्स डिप्लॉय सेट ऑफ आइडेंटिटिकल वीएम्स, यानी कि आप स्टार्टिंग में आइडेंटिटिकल वीएम्स डिप्लॉय कर लेते हो, भी हमें कम से कम 3 वीएम्स चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, तो नो प्री प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड फॉर द वीएम, एज डिमांड गो अप एट द वीएम्स, एज डिमांड गोज डाउन द वीएम्स आर रिमूव्ड। तो स्केल सेट क्या कहता है कि भाई जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी उसके अंदर, और उसके अंदर वीएम्स ऐड हो जाएंगी, जैसे आपकी डिमांड घटेगी उससे वहां से वीएम्स हटा ली जाएंगी। तो ये पूरा टास्क मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप स्केल सेट इंप्लीमेंट करते हो तो आपको काउंट्स देने होते हैं, भाई इंस्टांस काउंट क्या रखने, यानी कि नंबर ऑफ वीएम्स कितनी होंगी आपके स्केल सेट में। ओके, तो ये इनिशियल साइज होता है, उसके बाद इंस्टांस का साइज सिलेक्ट करना होता है, भाई जो आपका वीएम होगा उस पे कितना सीपीयू कितनी मेमोरी लगी होगी। ओके, अजोर स्पोर्ट इंस्टांस भी आता है कि भाई अजोर के पास जो अनयूज कैपेसिटी है वो आप डिस्काउंटेड प्राइसेस पे यूज कर सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, जय, एक मिनट देना मुझे। ओके ओके।
हेलो जय, आवाज आ रहा है? जय आवाज आ रहा आवाज आ रही है हेलो। आपकी? चलिए ठीक है। तो जो आप स्केल सेट बनाओगे, ये सारे ऑप्शंस आपको देने होते हैं कि भाई मैनेज डिस्क यूज करनी है नहीं करनी है, एलोकेशन पॉलिसी क्या रखना है, और जो स्केलिंग होती है वो बियॉन्ड हैंड्रेड करना है या नहीं करना है, यानी 100 इंस्टांस से ज्यादा लगाने हैं तो आपको ये वाला इनेबल स्केलिंग बियॉन्ड द 100 इंस्टांस सेलेक्ट करना होता है। अदरवाइज मैक्सिमम स्केलिंग कहाँ तक हो सकती है? 100 इंस्टांस, यानी कि आपके उसमें स्केल सेट में 100 VMs हो सकती हैं मैक्सिमम। ओके राइट सर। चलिए, ऑटो स्केलिंग आता है भाई, या तो आप मैनुअल स्केलिंग कर लो, जैसे आपका डिमांड बढ़िया आप मैनुअली ऐड कर दो इंस्टांस, या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है भाई आप ऑटो स्केलिंग सेटअप कर लो। जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी वीएम्स ऐड हो जाएंगी, जैसे डिमांड घटेगी वीएम्स हट जाएंगी। ठीक है, राइट सर। तो जब हम ऑटो स्केलिंग सेटअप करते हैं तो वहां पे देना है कि भाई मिनिमम कितने इंस्टांस रखने हैं हमें, ओके, मैक्सिमम कहाँ तक लेके, यानी कि टोटल इंस्टांस जो ऐड करने हैं प्लस मिनिमम इंस्टांस कितने हो सकते हैं, ओके, वो रेंज, यानी कि मैक्सिमम इंस्टांस कितने हो सकते हैं आपके स्केल सेट में। उसके बाद आपको रूल डिफाइन करना होता है कि कब इंस्टांस ऐड होगा, कब इंस्टांस रिमूव होगा, ओके, स्केल आउट एंड स्केल इन कब कब होगा वो आपको डिफाइन करना होता है। तो वो आप सीपीयू के बेस पे कर सकते हो, मेमोरी के बेस पे कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे बना रहा है कि भाई इनिशियल इंस्टांस काउंट 2 रखने हैं, ओके, यहाँ पे दिया हुआ मिनिमम नंबर ऑफ वीएम 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ वीएम 10 रखनी है। स्केल आउट थ्रेशोल्ड, यानी कि ऐड कब होगा, स्केल आउट मतलब ऐड करना, स्केल इन मतलब रिमूव करना। तो स्केल आउट कब होगा, अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 75% से अबव जाता है फॉर 10 मिनट, तो क्या करेगा, एक इंस्टांस ऐड कर देता है, ओके, देन आपका ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों इंस्टांस में। फिर अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर चला गया, फिर एक और इंस्टांस ऐड हो जाएगा, इस तरह से होता चला जाएगा, कहां तक, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं 10। स्केल आउट जैसे ट्रैफिक डिक्रीज होना स्टार्ट करे, और अगर आपका ट्रैफिक 25% से नीचे जाता है तो ये क्या करेगा, एक इंस्टांस वहां से हटा देगा, ओके, तो ऐसे ही आपका काम करेगा। तो चलो इसको डिप्लॉय करके देखते हैं वीएम स्केल सेट। आप ओके वीएम के टैब में जाओगे ना, यहीं पे ऑप्शन मिलेगा वीएम स्केल सेट का, आ रहा है, वर्चुअल मशीन बनाया हमने, सर। अवेलेबिलिटी वर्चुअल मशीन स्केल सेट सेलेक्ट करेगा, नेम दे देता हूं मैं, दिस इज वेब, ओके, हमारी वेब वीएम बना रहे हैं, वेब ए, ओके, स्केल से। तो यहाँ पे आपको स्केल सेट क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे जाएंगे, ओके, स्केल सेट क्रिएट करते हैं। ये आपका नेम हो गया, ओके, स्केल सेट नेम, रीजन हो गया, अवेलेबिलिटी और चेस्टर फ्लेक्सिबल रखना है, सिक्योरिटी टाइप हो गया, ओएस इमेज हो गई आपकी, साइज ले लिया आपने, ठीक है, एक सेकंड। साइज हो गया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक है, लाइसेंसिंग मैनुअली मैनेज करेंगे, डिस्क सिलेक्ट कर लो, आपको जो भी डिस्क लगानी है, हमें स्टैंडर्ड देते हैं, नेक्स्ट, नेटवर्किंग सिलेक्ट कर लो, VNet1 में बनाना है, ओके,
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया ये आपका। पब्लिक पोर्ट अलाउ करना चाहते हैं, यहाँ से पब्लिक पोर्ट अलाउ कर दो। आरडीपी पोर्ट अलाउ कर दिया 80443 लाइट। ओके, पब्लिक आईपी इनेबल कर दिया। फिर आता है स्केलिंग ऑप्शन आपके पास। लोड बैलेंसर यूज करना है तो लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो अपना लोड बैलेंसर डिफाइन कर दो। ठीक है, अब आता है स्केलिंग ऑप्शन भाई। मिनिमम काउंट कितने रखने हैं? एक। ओके, स्केलिंग पॉलिसी कैसे रखनी है? कस्टम। तो भाई यहाँ पे रखा मिनिमम काउंट एक, मैक्सिमम काउंट 5 रखने हैं मुझे। थ्रेशोल्ड क्या रखना है? 50-75% का। ड्यूरेशन इन मिनट्स, अगर 5 मिनट तक 75% रहता है थ्रेशोल्ड तो कितने इंस्टांस ऐड हो जाएंगे? 1। अगर थ्रेशोल्ड चला जाता आपका लेस देन 25% फॉर 1 मिनट, ओके 25%, तो एक इंस्टांस रिमूव हो जाएगा। तो ये हमने स्केलिंग लगा दिया कि भाई कब ऐड करना है, कब रिमूव करना है। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्थ हो गया आपका। एडवांस, यहां से आप क्या कर सकते हो, एडवांस में जाके अगर आपको कोई कस्टम एप्लीकेशन रन करना है, ओके, या कोई स्क्रिप्ट रन करनी है या कोई एक्सटेंशन रन करना है तो वो यहां से अटैच कर सकते हो। टैग रिव्यू, फिर कुछ टाइम लेगा। यूजुअली जो वीएम बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा ये। ओके, क्योंकि इस बार हमने एक सिंपल वीएम नहीं ओके बनाई, वीएम बनाई विद स्केल सेट। ओके, तो उसके यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग उस पे रिसोर्सेज अप डाउन होंगे। हमें लाइव इन्वायरमेंट दिखेगा सर ये। हाँ, ये बिल्कुल लाइव एनवायरनमेंट में आपको दिखाऊंगा। वीएम बनेगी, उस पर लोड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक इंस्टांस और ऐड हो जाएगा। ओके, जो इंस्टांस ऐड होगा वो पहले वाले का ही एज इट इज कॉपी ऐड होता है। लो, वेट करते हैं इसके क्रिएट होने का, देन इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, हाँ ओके सर। क्रिएट हो गया।
तो अगर मैं वर्चुअल मशीन्स में जाता हूं तो क्या यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है ना रनिंग? सर दिखा रहा है। अगर इस इंस्टेंस पे यहाँ पे जाते हैं हम, ओके ये इसका साइजिंग है, ये अवेलेबिलिटी एंड स्केलिंग है, ठीक है, कनेक्ट यहां से कर सकते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस को। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्केल सेट, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन होते हुए दिख रहा है। सर कितने इंस्टेंस बने हुए? एक। अगर एक मैं इस, बना हुआ। हाँ तो यहाँ पे इंस्टेंस देख सकते हैं कितने इंस्टेंस इसके चल रहे हैं। एक चल रहा है वेब ए 5DE0E F8। अगर मैं VMs में जाता हूँ तो यही इंस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका रिमोट लेना है, मैं इसका रिमोट लेता हूँ तो यहाँ पे गए कनेक्ट, बेस स्टेशन के थ्रू मैं इसका रिमोट ले लेता हूँ। ठीक है, कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं सीपीयू पे लोड इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये लिंक है इसका। ये फाइल डाउनलोड करके इस पे रन करेंगे। एक्चुअली ये फाइल क्या है, ये आपके सीपीयू पे लोड क्रिएट करेगी, ओके, जिससे आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। हमें वही करना, हमें अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन, हाँ ये फाइल क्या करेगी, कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी इस वीएम पे। इस वीएम का जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो हाई चला जाएगा, हाई तो अभी भी है बट ये थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा क्योंकि अभी हमने वीएम को स्टार्ट किया है, अभी वीएम बनी है इसलिए थोड़ा हाई जा रहा, देखो ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर। बट हमें क्या करना है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को हाई रखना है फॉर कंटिन्यूअसली फॉर द 5 मिनट, ताकि वो स्केलिंग ट्रिगर्ड हो हमारी, ओके ओके सर। वो CPUBG फाइल डाउनलोड कर लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको रन कर लेते हैं। अच्छा इसको .NET चाहिए, इसको भी .NET चाहिए। कोई और फाइल देखते हैं जो बिना .NET के चल जाए। से फाइल नहीं चाहिए मुझे सिंपल,
ये वाली स्क्रिप्ट है, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नोट पैड फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, इसको जरा रन करते हैं, लेट्स सी। तो ये लूप में रन होगी, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला प्रोसेस देख रहा है जय? तो जी सर दिख रहा है। अब ये आपका स्लाइस कर रहा 98 और 100% तक चल रहा है। ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये सिंपल सी स्क्रिप्ट तो कुछ है नहीं इस स्क्रिप्ट में, जस्ट ये क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है इनको, गोल सेट कर रहा है और उसी को लूप में रन करवाए जा रहा है। ओके, तो लूप की वजह से ही यूटिलाइजेशन हाई चला गया। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो एक इंस्टांस चल रहा था, अब इसके इंस्टांस, दूसरा इंस्टांस, तीसरा इंस्टांस, हर 5 मिनट के बाद इंस्टांस आता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इंस्टांस पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। ठीक है, यस सर। ऑटोमेटिकली इसका एक इंस्टांस आ जाएगा। बट सर्विस के लिए बेसिकली दो अलग अलग इंस्टांस होंगे तो ट्रैफिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उन इंस्टांस पे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, लोड बैलेंसर लगाते हैं। ओके, चलो वेट करते हैं। ठीक है, होगा
देख रहा सर। हाँ कनेक्ट आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ सर। फिर हाँ दूसरा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। जी सर दिख रहा है। तो दूसरा इंस्टेंस यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, हम्म। तो ये आपकी स्केलिंग स्केल सेट। ठीक है, जैसे लोड डाउन जाएगा ये ऑटोमेटिकली हट भी जाएगा। अभी तो क्रिएट हो रहा है, हुआ नहीं है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स। ओके, जैसे आपकी ये वाला ओके इंस्टॉल है ना, एज इट इज, उसकी कॉपी क्रिएट होगी अभी। ये भी सर टाइम लेगा ना। नहीं, थोड़ा टाइम लेगा। हेलो चलो तब तक ये वाला लेसन देख लेते हैं, लेसन नंबर 4। ज्यादा कुछ है नहीं इस लेसन में। वर्चुअल मशीन एक्सटेंशंस, तो जो एक्सटेंशन वाला है ये काइंड ऑफ पोस्ट डिप्लॉयमेंट है कि भाई वीएम बनाने के बाद आपको, मान लो 100 VMs बनानी है, 100 VMs पे आपको कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज करनी है, राइट? तो आपने क्या सर। किया, उस एक्टिविटी की स्क्रिप्ट फाइल्स बना ली। ओके, और आपको क्या करना है, कुछ एजेंट है आपके पास, लाइक आप कोई बैकअप सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, उसका एजेंट डालना है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, एंटीवायरस है, इनके एजेंट्स भी इंस्टॉल करने हैं आपको उन सभी 100 वर्चुअल मशीन्स पे। ओके, तो अजियोर क्या देता है, वीएम एक्सटेंशन, वर्चुअल मशीन एक्सटेंशन नेम से हमारे, हमें एक ऑप्शन देता है कि आप वीएम के अंदर जाए बगैर बाहर से ही डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, उस वीएम पे कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, राइट सो एक्सटेंशन आर द स्मॉल एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड द पोस्ट डिप्लॉयमेंट, वीएम कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटोमेशन टास्क। ओके, मैनेज्ड विद अजोर सीएलआई, पावर शेल, अजोर रिसोर्स मैनेजिंग टेम्पलेट और अजोर पोर्टल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन एक्सटेंशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो बंडल विद ए न्यू वीएम डिप्लॉयमेंट और रन एन अगेन ए एग्जिस्टिंग वन। तो ये जो एक्सटेंशन आप जब कोई नई वीएम बना रहे हो तब इस लगा सकते हो, या कोई वीएम ऑलरेडी बन चुकी है उस पर भी आप एक्सटेंशन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम स्क्रिप्ट लगा सकते हो, आपके पास कोई पावर शेल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करवाना है, वो अटैच कर सकते हो। ओके, तो ओके यूजुअली जो एक्सटेंशन है वो 90 मिनट्स लेते हैं एग्जीक्यूशन में। ओके, चलो आपको ये दिखा देता हूँ, ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको वीएम्स पे। तो जैसे कि मैं एक वीएम पे जाता हूँ, VM01। ओके, VM01 पे गए, स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वीएम एक्सटेंशंस के नाम से। जस्ट होल्ड अप, गया। ये रहा एक्सटेंशंस एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे जाओ, कोई एक्सटेंशन लगाना है ऐड करो, सेलेक्ट करो अपना एक्सटेंशन क्या है, कोई बैकअप, देखो ये कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, दिख रहे हैं यस सर। ये, लोड मोर पे जाके और भी आप, एंड माइक्रोसॉफ्ट पेंटियम, बहुत एनवीडिया का जीपीयू ड्राइवर इंस्टॉल कर। वीडियो नेटवर्क वॉच एजेंट है, का पावर शेल है, Rapid7 एजेंट है, सेंटिनल है, टीम वीवर है। ठीक है, तो काफी सारे एजेंट को भी आप इन पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, ओके, ओपन SSH इंस्टॉल कर, सिलेक्ट किया नेक्स्ट। ओके, यहाँ से क्रिएट, ठीक है, तो एक्सटेंशन अटैच हो जाएगा विद इन 90 मिनट्स, एक्सटेंशन रन हो जाएगा अपने वीएम पे। ठीक है, 3 मिनट लगते हैं सर। हाँ, यूजुअली मैक्सिमम 90 मिनट्स होते हैं। ओके, ओके तो
कस्टम स्क्रिप्ट रन करनी है, कस्टम स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। सेम वहीं पे जाओ, एक्सटेंशंस, यहाँ पे ऑप्शन होता है कस्टम स्क्रिप्ट्स का, कस्टम स्क्रिप्ट, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो। अगर आपके कंप्यूटर पे जो भी स्क्रिप्ट रखी हुई है वो आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो उस स्क्रिप्ट को पहले अपने स्टोरेज अकाउंट में अपलोड कर लेना, अपलोड करने के बाद यहां से सिलेक्ट करके और आप एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। सर चलो इस स्क्रिप्ट को स्टॉप करते हैं। ये देखो कितने इंस्टेंस ऐड हो गए, दिख रहे हैं? फील्ड भी हेलो, आ रहा है कुछ। वो मैंने अभी क्लोज कर दिया ना, इसलिए फेल्ड हो गए। इस पे फेल्ड हो अच्छा। जाता है ना, तो उसको दोबारा से वो ऐड करना स्टार्ट कर देता है। प्रोविजनिंग कैन नॉट क्रिएटेड मोर देन 10 पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। भी मेरे सब्सक्रिप्शन में आईपी लिमिट हो गई, इसलिए ये एरर दे रहा था, फेल्ड हो रहा था, ठीक है। ओके। ये देखो ये सारे इंस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो सर्विस बंद कर दी सीपीयू यूटिलाइजेशन वाली, राइट। ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा वो। अच्छा वो अपने आप रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे अब वहां से, देखना ये। हाँ, जैसे लोड डाउन जाएगा ये रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। ने ऑटो लगा रखा है। क्लियर है ये? ठीक क्लियर है। जितने भी इंस्टेंस बने होंगे उसका भी हम एक्सेस लेंगे, तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा सुपर एडमिन को उस पे जाने के सबका लिए। सेम सेम सेम। ये देखो, ये मैं ये कौन सा कनेक्ट किया, हमने F8 कनेक्ट किया हुआ है, मैं ये वाला कनेक्ट करता हूँ CD। ये सीडीज पे कनेक्ट हो गए आप, ठीक है। सेम यूजर नेम पासवर्ड, आइडेंटिटिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो एप्लीकेशन आपके यहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे वही एप्लीकेशन होगा आपको वहां मिलेंगे।
है। आवाज जा रही है सर मेरी? अभी आई है, पहले आवाज नहीं आ रही थी आपके। हाँ ओके राइट सर, शायद सर इनेबल करने से पहले ही मैं वो कर देता था, बोल दिया था और फिर म्यूट करने के बाद। अच्छा मैनुअली डिलीट कर रहे हैं। नहीं, वो फेल्ड वाले डिलीट कर रहा हूँ। चलो तो ये हमारा 8th मॉड्यूल था, वर्चुअल मशीन। ओके, 9th अपना जो मॉड्यूल है वो है सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज स्टार्ट करें कल स्टार्ट करें इस वाले मॉड्यूल को? कल करें? ठीक करते हैं सर, करते है, ओके सर। कल। अब छोटे छोटे मॉड्यूल है, ये बड़े मॉड्यूल नहीं है, एक एक दिन के हैं मैक्सिमम। ठीक अच्छा है, ठीक है, चलो अभी सर कितने रह गए हैं वैसे, कितने अभी क्लासेस तीन रह गई मॉड्यूल, हैं? 9, 10, 11 तीन मॉड्यूल, तो मैक्सिमम आप 3 या 4 दिन लगा लो। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू चलेगी ना सर उसमें? अभी ब्रेक लेंगे उसमें, गैप कंटिन्यू चलेगी ना? हाँ कंटिन्यू चलेगी। ठीक है सर, बाय ठीक। सर। हेलो, हेलो। डिस्कनेक्ट कर रहे सर? हाँ, डिस्कनेक्ट। ओके सर।